चंद्रमा पर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को बड़ी कामयाबी मिली है। नासा ने चंद्रमा की सतह पर पानी खोजने का दावा किया है। नासा के SOFIA यानी कि स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी ने इस बात की पुष्टि की कि पहली बार चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले क्षेत्र में पानी की खोज की गई। इस खोज से यह साफ हो जाता है कि पानी को चंद्रमा की सतह तक वितरित किया जा सकता है और यह सिर्फ ठंडा या छाया वाले स्थानों तक सीमित नहीं है। SOFIA ने चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे बड़े गड्ढों में से एक क्लेवियस क्रेटर में पानी के अणुओं यानी कि H2O का पता लगाया है। चंद्रमा की सतह के अब तक पिछले ऑब्जर्वेशन के दौरान हाइड्रोजन के कुछ रूप का पता लगाया गया, लेकिन ये पानी और उसके करीबी रासायनिक चीज हाइड्रोक्सिल के बीच अंतर करने में असमर्थ था। इस स्थान से प्राप्त डेटा के अनुसार 100 से 412 पार्ट्स प्रति मिलियन की सांद्रता में पानी का पता चलता है और ये लगभग 12 औस पानी की बोतल के बराबर है जो चंद्रमा की सतह पर फैली मिट्टी के घन मीटर में फंसा हुआ है। इस खोज को नेचर एस्ट्रोनॉमी के नए एडिशन में प्रकाशित किया गया है। वॉशिंगटन में नासा मुख्यालय में साइंस मिशन निदेशालय में एस्ट्रोफिजिक्स डिवीजन के निदेशक पॉल हर्ट्स ने कहा, हमें H2O के संकेत मिले थे जिसे हम पानी के रूप में जानते हैं और वो चंद्रमा के सूर्य की ओर मौजूद हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अब हम जानते हैं कि ये वहाँ है। ये चंद्रमा खोजने की सतह की हमारी समझ को चुनौती देता है और गहन अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रासंगिक संसाधनों के बारे में पेचीदा सवाल उठाती है। तुलनात्मक रूप से SOFIA ने चंद्रमा की सतह पर जितनी पानी की खोज की है उसकी मात्रा अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में मौजूद पानी की तुलना में 100 गुना कम है। पानी की इस छोटी मात्रा के बावजूद ये खोज नए सवाल उठाती है कि चंद्रमा की सतह पर पानी कैसे बनता है और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि चंद्रमा के कठोर और वायुमंडलहीन वातावरण में ये कैसे बना रहता है। हालांकि अब तक ये तय किया जाना बाकी है कि एक संसाधन के रूप में पानी का कितना इस्तेमाल किया जा सकेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।